हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो राजस्थानी सॉन्ग पे स्पेशल स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसा लगा प्रीव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अब आपको इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको लेटमोशन एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको डाउनलोड कर लेना। सॉन्ग बिटमार्क प्रीसेट एंड शेकपैक प्रीसेट दोनों प्रीसेटों की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रीसेट को ओपन कर लेना, तो यहाँ पर आपको सॉन्ग और बिटमार्क क्यों मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ से स्टार्ट मार देना 0.0 पे। स्टार्ट मारने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे करना आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक, यहाँ से करना आपको मीडिया पे क्लिक। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे आ ले तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जिस भी फोल्डर में इमेज है, वीडियो है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपको एक वीडियो एड करना है, ये वाला वीडियो। तो ये वीडियो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, तो इस वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से करना आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक, जिससे ये वीडियो आपका ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पे इस वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो ये अगले बीट मार्क पे आ जाएगा, यहाँ से 7.10 पे। यहाँ पर आने के बाद आपको ध्यान देना है, वीडियो पे क्लिक करके इसका पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए इस वाला आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से आ जाना आगे की साइड में कुछ इस तरह से। आगे की साइड में आओगे तो यहाँ पे इस बीट मार्क पर आना है, यहाँ देना आपको 14.09 पे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सेकंड वीडियो और ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फिर से सेकंड वीडियो पे क्लिक करना है कुछ इस तरह से। क्लिक करके यहाँ से करना प्लस वाला आइकन पे क्लिक, जिससे आपका सेकंड वीडियो ऐड हो जाएगा। फिर आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करके अगले बीट मार्क पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से वीडियो पे क्लिक करके इसका भी आपको पीछे का पार्ट एक्स्ट्रा है वो कट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको दोनों वीडियो अच्छे से एडजस्ट कर लेना। दोनों वीडियो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑल मटेरियल लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर दोनों वीडियो ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, नीचे की साइड में आपको एक रेड कलर की लेयर दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको इसके साइड में आपको एक तीन लाइन दिखाई देगी, तो इस तरह से आपको क्लिक करना है। यहाँ से होल्ड करके इस वीडियो के ऊपर की साइड में अच्छे से एडजस्ट कर देना कुछ इस तरह से। यहाँ से आ जाना आपको आगे की साइड में, इसी तरह से इसके भी नीचे आपको रेड कलर की लेयर दिखाई देगी, तो इसको भी आपको इस तरह से क्लिक करके होल्ड करके इस वीडियो के ऊपर की साइड में रख देना कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दोनों वीडियो कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, ग्रुप वन पे क्लिक करना है, ग्रुप वन पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको डायरेक्ट एड की हुई मिल जाएगी, और यहाँ पे ये हाइड रहेगी तीनों, तो इन तीनों को कुछ इस तरह से आपको अनहाइड करना है। अनहाइड करने के बाद यहाँ से आना आपको बैक कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ इस तरह एड हो जाएगी। यहाँ से आपको आना आगे की साइड में, इस तरह से आगे की साइड में आ जाना। आगे की साइड में आकर आपको ग्रुप टू पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करना, इसको भी आपको अनहाइड कर देना कुछ इस तरह से। यहाँ से आ जाना आपको बैक, तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिरिक्स ऐड करनी है। लिरिक्स ऐड करने के लिए यहाँ से इस वाला आइकन पे क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको शेकपैक प्रीसेट को ओपन करना है। ओपन करके नीचे की साइड में आपको एक लेयर दिखाई देगी येलो कलर की, तो इस लेयर पे आपको क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको करना कॉपी लेयर, तो ये लेयर आपकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद आपको फिर से इस वाला आइकन पे क्लिक करके बैक आ जाना। बैक आके सॉन्ग बिटमार्क प्रीसेट को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, आपको ग्रुप वन पे क्लिक करके यहाँ से करना एडिट ग्रुप पे क्लिक, तो यहाँ पे आपकी फाइल्स लिरिक्स कुछ इस तरह से ऐड की हुई मिल जाएगी पहले से, तो यहाँ पे आपको फाइल्स लिरिक्स को छोड़ देना है। यहाँ से आपको आना आगे की साइड में कुछ इस तरह से 1.43 पे। यहाँ पर आने के बाद इस वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर करनी है। पेस्ट लेयर करने के बाद यहाँ से आपको आना आगे की साइड में 3.26 पे। यहाँ पर आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करके स्पीड वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो इस लेयर की लेंथ है वो इस बीट मार्क तक आसानी से बढ़ जाएगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको लेयर की लेंथ है वो बढ़ा देनी है आसानी से। यहाँ से आपको आ जाना बैक। अब आपको यहाँ पे लिरिक्स ऐड करनी है, सेकंड लिरिक्स ऐड करनी है।
लिरिक्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ज्ञान देना, लेयर पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से जो भी टाइप रहेगा उसको आपको कर देना कट कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पे सेकंड लिरिक्स टाइप कर देनी, क्योंकि पहले लिरिक्स हमने पहले से ऐड कर रखी है, तो यहाँ पर आपको सेकंड लिरिक्स टाइप करनी है। अगर आप स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट यूज लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट के लिए आपको पहले लिरिक्स बनानी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखी है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लिरिक्स पहले से टाइप की है, तो यहाँ से मैं सेकेंड लिरिक्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो कुछ इस तरह से आपको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको करना है कॉपी लेयर। कॉपी करने के बाद यहाँ से आना आपको बैग, यहाँ से आपको लाइट मोशन ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे आपको सेकंड लिरिक्स है वो पेस्ट कर देनी। पेस्ट करने के बाद आपको कर देना राइट वाला आइकन पे क्लिक। तो कुछ इस तरह से आपको भी पहले लिरिक्स बना लेनी, अगर आप स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट यूज लेना चाहते हो तो स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट के लिए लिरिक्स कैसे बनानी, स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बना कर रखा। अगर वो वीडियो जाकर नहीं देखा तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको सेकंड लिरिक्स भी ऐड कर देनी। ऐड करने के बाद यहाँ से आना आपको बैक, फिर यहाँ से आना आपको अगले बीट मार्क पे। यहाँ पर आने के बाद फिर इसी तरह से पेस्ट लेयर करनी है। पेस्ट लेयर करने के बाद यहाँ से अगले बीट मार्क पे आके इसकी भी लेंथ बढ़ा देने के लिए लेयर पे क्लिक करके स्पीड वाला आइकन पे क्लिक करके इस तरह से इसकी भी लेंथ बढ़ा देनी है। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके जो भी टाइप रहेगा उसको आपको कट कर देना है। यहाँ पर आपको इसकी अगली लिरिक्स है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद राइट वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको बीट के अनुसार आगे के जितने भी बीट मार्क है तो यहाँ पर आपको लिरिक्स अच्छे से एडजस्ट कर देनी है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आना आपको बैक, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी लिरिक्स ऐड हो जाएगी यहाँ पे, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार लग रही है। अब आपको आना यहाँ से आगे की साइड में, कुछ इस तरह से आपको आगे की साइड में आ जाना इस बीट मार्क पे, ध्यान देना आपको 14.09 पे। यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पे एडिट ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से बीट मार्क किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको बीट के अनुसार सॉन्ग को सुन के अच्छे से लिरिक्स बना के यहाँ पे भी आपको लिरिक्स ऐड कर देनी अच्छे से। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपको आना बैक, कुछ इस तरह से बैक आके यहाँ से आ जाना आपको इस बीट मार्क पे 7.10 पे। यहाँ पर आने के बाद अब आपको ज्ञान देना प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से फिर से आपको गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे जो भी वीडियो में इमेज लेनी है वो कुछ इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ज्ञान देना इस वाला आइकन पे क्लिक करना, जिससे आपकी इमेज है वो एड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको करना थ्री डॉट पे क्लिक। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कर देना आपको फुल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक, जिससे आपकी फोटो पूरे स्क्रीन पर हो जाएगी। अब आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करके अगले बीट मार्क पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद इसका पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है वो इस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको कट करना है। यहाँ से आना आपको बैक, फिर इसी तरह से सेकंड इमेज पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज इस बीट मार्क तक आसानी से आ जाएगी। यहाँ से अगले बीट मार्क पे आके इसका भी पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट कर देना कट, और थर्ड डॉट पे क्लिक करके इसको करना फुल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक। तो कुछ इस तरह से आपको बीट के अनुसार सारी फोटोज़ को अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है। तो जल्दी से मैं सारी फोटो अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बीट के अनुसार सारी फोटोज एंड वीडियोज़ को अच्छे से एडजस्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह से आपको भी सारी फोटोज एंड वीडियो बीट के अनुसार अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे फोटोज पे इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना इस वाला आइकन पे क्लिक करके बैक आ जाना, शेगीपेड प्रीसेट को ओपन करना है। शेगीपेड ओपन करने के बाद यहाँ से आपको आना फर्स्ट फोटो पे, ध्यान देना आपको फर्स्ट फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे ऐड कर लेना, तो आपकी फर्स्ट फोटो का इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इस तरह से आपको बैक आ जाना, बैक आके सॉन्ग बीट मार्क प्रीसेंट को ओपन करना है। यहाँ से आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करके इस बीट मार्क पर आ जाना 7.10 पे। यहाँ पर आने के बाद आपको ध्यान देना है जो आपकी फर्स्ट फोटो उस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी फोटो पे कुछ इस तरह से इफेक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ से आ जाना आपको बैक, इसी तरह से आपको अगली फोटो पर भी ये वाला इफेक्ट ऐड कर देना है। ये वाला इफेक्ट आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपको आगे एक साइड में आओगे कुछ इस तरह से, तो इस बीट मार्क पे 12.30 पे। तो यहाँ से आपको 7.10 से लेके 12.30 के बीच की जितने भी फोटो उन सारी फोटो पे आपको ये वाला इफेक्ट वो इसी तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से आना आपको बैक, बैक आके सेगीपेड प्रीसेट को ओपन कर लेना। यहाँ से आपको आना सेकेंड नंबर फोटो पर, सेकेंड नंबर फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपको आ जाना बैक, कुछ इस तरह से बैक आके सॉन्ग बीट मार्क प्रीसेंट को ओपन करना है। ओपन करके यहाँ से आ जाना आपको आगे की साइड में कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक हमने इफेक्ट ऐड कर दिया था, अब आपको आना 12.30 पे। तो इससे पहले हमने जितनी भी फोटो थी उन सारी फोटो पर आपको फर्स्ट वाला इफेक्ट ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ पे 12.30 के बाद की जो फोटो उस फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस फोटो पे आपका इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इससे अगली जो फोटो है उस फोटो पे भी आपको ये वाला इफेक्ट है वो इसी तरह से पेस्ट कर देना है। तो ये वाला इफेक्ट आपको ध्यान देना है, दो ही फोटो पे ऐड करना। ऐड करने के बाद फिर यहाँ से आपको आना बैक, बैक आके सेगीपेड प्रीसेट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको आ जाना लास्ट फोटो पर। लास्ट फोटो पर आपको क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इसी तरह से थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट करना है।
कॉपी पेड करने के बाद फिर यहाँ से आपको आ जाना बैक, बैक आके सॉन्ग बिटमार्क प्रीसेंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको आ जाना आगे की साइड में कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक हमने इफेक्ट ऐड कर दिया था, अब आपको आना है यहाँ से आगे एक साइड में, ध्यान देना आपको इस बीट मार्क पे 21.24 पे। यहाँ पर आने के बाद जो फोटो, उस फोटो पे आपको क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। तो इस फोटो में भी आपका कुछ इस तरह से इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपको 21.24 से लेकर एंड तक जितने भी फोटो है उन सारी फोटो पर आपको ये वाला इफेक्ट है वो इसी तरह से पेस्ट कर देना है। तो जल्दी से मैं ये वाला इफेक्ट भी पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे सारी फोटो पे इफेक्ट ऐड कर दिया, आपका स्टेटस वीडियो बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अब आपको यहाँ पे क्या देना, ऊपर इस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको करना एक्सपोर्ट पे क्लिक, जिससे आपका वीडियो एक्सपोर्ट होकर गैलरी में सेव हो जाएगा।